नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल प्लस ब्लॉग बहुधान्य डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम में स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आजकल हम जो क्वेश्चंस रख रहे हैं वो हरियाणा पुलिस से रिगार्डिंग ही रख रहे हैं, जो भी उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स बनते हैं और मोस्ट आस्किंग क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें हम स्टेट से रिलेवेंट जो न्यूज़ पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है या फिर किसी भी अभिनय या कलाकार से रिलेटेड है, उसको हम यहाँ रखते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का जो मोस्ट फोकस है वो यही है कि आप तक हमारी सभी नई अपडेटेड वीडियोस पहुँचती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बट हाँ, जो इस पोस्ट को एज अ टेस्ट देना चाहते हैं वो इस पोस्ट को यहीं रोक सकते हैं वीडियो को, और नीचे कमेंट बॉक्स पे इसका लिंक है, उसका टेस्ट दीजिए। आफ्टर दैट यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं आंसर। तो ये स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के सबसे महंगे खिलाड़ी सॉरी युजवेंद्र चहल, जो 6 करोड़ में नीलाम हुए हैं आईपीएल में, वो किस टीम की तरफ से खेलेंगे? ऑप्शन है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, दिल्ली डेयर डेविल्स, हैदराबाद, कोलकाता नाइट राइडर्स। तो जो इसका आंसर है वो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया टेनिस ओपन महिला 2018 का खिताब किसने जीता? जैसे कि मैंने आज से दो पोस्ट पहले वीडियो पहले भी ये क्वेश्चन डाला था कि इस महीने 2018 जैन में कौन सा ग्रैंड स्लैम खेला जाता है। तो ऑप्शन जो आंसर था उसका यही था, ऑस्ट्रेलिया टेनिस ओपन टेनिस खेला जाता है। तो अब क्वेश्चन है कि इस बार का महिला टेनिस ओपन किसने जीता है? तो ऑप्शन है कैरोलिन गरेशिया, सेलोइन स्टेफन्स, गैल्बिन मेगुरुजा। तो इसका आंसर है कैरोलिन वोगनिका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में वर्ड ऑफ द ईयर 2017 किसे चुना गया है? जो 2017 के लिए वर्ड चुना गया है, एक अक्षर चुना गया है, तो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में भारत की तरफ से कौन से वर्ड को चुना गया है? ऑप्शन है मित्रों, नोटबंदी, गौरक्षक, आधार। एक्चुअली क्या है, ये चारों वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहे हैं, सुर्खियों में रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड इसको यहाँ पे रखा गया है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो इसका आंसर है वो है आधार, क्योंकि आधार के ऊपर, आधार कार्ड से रिलेटेड काफ़ी बात की जाती है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को यहाँ डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की कौन सी जयंती मनाई जा रही है? आप सभी को पता है कि प्रदेश में शिरोमणि संत गुरु रविदास जी की जयंती मनाई जा रही है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या इसका आंसर हो सकता है? ऑप्शन है 641वीं, 645वीं, 545वीं, 640वीं। तो इसका आंसर है 641 जयंती मनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम किसने बनाया है? जो ये रॉकेट है ये हम जैसे लोगों को जो चांद में जाना चाहते हैं उनके लिए बनाया गया है, वो इसमें इस रॉकेट के थ्रू हमारा ये सपना पूरा हो सकता है। तो ऑप्शन है कि ये किसने बनाया है। तो पहला है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी चाइना की तरफ से, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा की तरफ से, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी जापान की तरफ से, या इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी भारत की तरफ से। तो ये जो बनाया है ये बनाया है अमेरिका ने, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस रिसर्च एडमिनिस्ट्रेशन ने। नेक्स्ट देखते हैं। हरियाणा प्रदेश में पहला स्मार्ट ग्रिड पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ऑप्शन है करनाल, पानीपत, हिसार, फरीदाबाद। तो इसका आंसर है पानीपत, पानीपत में पहला ग्रिड पायलट प्रोजेक्ट लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश में पहला स्मार्ट ग्रिड प्रोजेक्ट जापान की कौन सी सरकारी कंपनी के सहयोग से लगाया गया है? तो ऑप्शन है कैसियो, ओकी इलेक्ट्रिक, साइको एक्सॉन या नीडो। तो इसका आंसर है नीडो, इसमें जो शेयर्स हैं जापान की इस कंपनी के हैं, इसके सहयोग से ये लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अध्यादेश को राज्यपाल ने कब स्वीकृति दी है? तो ऑप्शन है 25 जनवरी, 26 जनवरी, 27 जनवरी, 28 जनवरी। तो इसका आंसर है 25 जनवरी को, आई थिंक इस दिन गुड गवर्नेंस डे भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 मार्च में सेव गर्ल्स कैंपेन की शुरुआत कहाँ से होगी? सोनीपत से, पानीपत से, पलवल से, नूह से। तो जो सेव गर्ल्स कैंपेन की शुरुआत होगी 18 मार्च से वो होगी सोनीपत से। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2018 अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ होगा?
तो न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इसमें से जो इसका आंसर है वो है न्यूजीलैंड। तो ये 10 क्वेश्चंस, होप सो आप सभी को पसंद आए होंगे, इंटरेस्टिंग लगे होंगे। अगर आपको हमारे क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा बहुमूल्य हैं। और लाइक करना भी ना भूलिएगा। और आपको कोई भी पोस्ट या लास्ट ईयर्स क्वेश्चंस चाहिए हो तो हमारे पास मैसिव डाटा है 2016 से लेकर जैन 2018 तक का, आप इसमें से ये डाटा सर्च कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही है, कुछ और नया इंटरेस्टिंग टॉपिक आप सभी के लिए लेकर आते रहेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।